Okay, so starting the class for today. So we have the last lecture of narration here. The fourth one, that is exclamatory narration, and the fifth one, that is optative narration. So both the narrations I will cover it today because they are very simple. That's why. Before that, we have discussed assertive and imperative and interrogative narration, how to convert them from direct into indirect speech. And that was so much easy. Actually, if you know about the rules and the steps, then you will not find it difficult to convert direct narration into indirect narration. So here I am telling you again, the next type of sentences, the fourth one is exclamatory narration. Exclamatory narration, मतलब अगर reported speech के अंदर, inverted commas के अंदर, अगर कोई exclamatory sentence आ जाए, तो उसको किस तरह से direct से indirect narration में convert करना है? Exclamatory sentence कौन से sentence होते हैं? The sentences which show sudden feelings of happiness, sadness or surprise. हर वो सेंटेंस जो अचानक के जज्बात और एहसासात शो करता है, सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करता है, खुशी, गमी या हैरत के तासुरात और जज्बात का इजहार जिस सेंटेंस के अंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेशन होती है, इजहारिया जुमले जिसको हम कहते हैं। अच्छा, निशानी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि भाई अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम पहचान लेंगे डायरेक्टली देखते साथ। तो भाई सबसे पहले चीज़ तो इट स्टार्ट्स विद इंटरजेक्शन, या तो वो इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। इंटरजेक्शन से मुराद ऐसे तमाम वर्ड जिनके आप बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, मतलब उल्टा आई लगा हुआ होता है इस तरह से, तो उसका मतलब कि वो वर्ड इंटरजेक्शन है। हुर्रा, याहू, ब्रावो, लास्ट, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अगर वो आ गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, अगर वो नहीं आया तो वॉट या हाउ से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और बच्चे फिर कहते हैं सर वॉट और हाउ से, तो इंटरोगेटिव भी स्टार्ट होता है, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो वॉट और हाउ से स्टार्ट तो होता है, लेकिन ख़त्म किस पर होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर। इस सूरत में भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऐसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो वॉट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जस्ट बिकॉज देयर इज एन इंटरजेक्शन हियर। हुर्रा कोई भी इंटरजेक्शन हो सकता है, बहुत सारे इंटरजेक्शन होते हैं जो कि अचानक के वर्ड्स होते हैं, सडन फीलिंग्स के जो अल्फाज होते हैं। अब नेक्स्ट वाले देखो, वॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज़, है ना, कि क्या कितने खूबसूरत पेंटिंग है ये, क्या खूबसूरत पेंटिंग है ये। तो कभी कभार हम वॉट और हाउ से हम सवाल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उसमें जवाब दे रहे होते हैं या हैरत का इजहार कर रहे होते हैं। जब हम कहते ना हाउ फूलिश यू आर, कितने बेवकूफ़ हो तुम, ये सवाल नहीं कर रहे कि बताओ कितने बेवकूफ़ हो तुम, हम एक हैरत का इजहार कर रहे हैं, अमेजमेंट है, सरप्राइज एक है कि यार कितने बेवकूफ़ हो यार तुम, मतलब बहुत बेवकूफ़ हो, मतलब उसका मतलब ये। तो हाउ फूलिश यू आर कहते हैं, हाउ ओल्ड यू आर, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो वॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, क्या खूबसूरत पेंटिंग है यार, कहते ना वॉट अ ब्यूटीफुल शॉट बाय शाहिद अफरीदी, क्या शॉट मारा है यार शाहिद अफरीदी ने, इधर बोलते हैं मतलब क्या शॉट मारा है, मतलब अच्छा बोलते हुए तो हम मतलब अलग अंदाज से बोलेंगे ना, बोलते हुए तो बोलेंगे मतलब ना क्या शॉट मारा है, तो मतलब सवाल है, और क्या शॉट मारा है तो मतलब ये जवाब है, दोनों में फ़र्क है ना। लेकिन लिखते हुए तो नहीं समझ में आएगा क्या है, तो लिखते हुए हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो सवाल है, और अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया तो मतलब किसी हैरत का इजहार हो रहा है। तो वॉट और हाउ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट एंड में उल्टा आई या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्वर्टेड आई होगा तो उसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, बहुत आसान बातें बता रहा हूँ। तो स्टेप्स की बात करें किस तरह से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग, सेट टू की चेंजिंग, सेट टू को किस तरह तब्दील करते हैं। सेट टू को तीन में से कोई एक चीज़ बना सकते हैं, या आप एक्सक्लेम विद जॉय बना दो, एक्सक्लेम विद सैडनेस बना दो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज बना दो, तीनों में से कोई एक। अच्छा, एक्सक्लेम विद जॉय के फिर मैंने मल्टीपल इसके जो है वो अल्टरनेटिव्स लिखे हैं, जॉय, इन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, तीनों एक ही चीज़ है। सैडनेस, सौरो, ग्रीफ, तीनों मतलब गम या दुख या रंज या अलम या ये तीन सब का मतलब एक ही है। इस तरह सरप्राइज, वॉन्डर, अमेजमेंट, एस्टोनिशमेंट, सब का मतलब हैरत, ताज्जुब, ठीक है। तो कोई एक भी लिख सकते हैं इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, ठीक है। तो बच्चे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से डिफरेंट डिफरेंट तरह से सीख के आए होते हैं, तो मर्जी होती है। आपने अगर किसी बच्चा सौरो पढ़ता है, कोई सैडनेस पढ़ता है, ठीक है, कोई एक्सक्लेम विद जॉय पढ़ता है, कोई एक्सक्लेम विद एन्जॉयमेंट पढ़ता है, तो डिपेंड करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा, सेट टू को एक्सक्लेम विद जॉय इसलिए उस वक्त बनाएंगे जब कोई ऐसा इंटरजेक्शन हो हमारे पास जो खुशी को शो करता हो, हुर्रा, याहू, आहा, ओहो, ब्रावो, यप्पी, इस तरह के वर्ड्स खुशी में इंसान बोलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई दैट इज़ के, फिर हम उसको एक्सक्लेम विद जॉय से बनाएंगे। और अगर एक्सक्लेम विद सैडनेस से बनाएंगे जब कोई ऐसा इंटरजेक्शन हो जो सैडनेस को शो करता हो, जैसे ओह या फिर अलास, इस तरह के, तो ये हमेशा अफसोस को शो करता है, सुर्दगी को शो करते हैं, सैडनेस को शो करते हैं। और सरप्राइज कब लगाएंगे, जब सरप्राइज वाला इंटरजेक्शन, जैसे वाओ, सरप्राइज के लिए यूज़ करते हैं वाओ। इस तरह से वॉट और हाउ भी हो सकता है, वॉट एन ब्यूटीफुल शॉट, इस तरह से, या हाउ ब्यूटीफुल चीज़, तो सब इसमें क्या होता है कि इन सब सूरतों में सरप्राइज यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो वो मैंने रेड कलर से जो शो किया है वो मैंने ट्रिक बताई कि कैसे आपको पता लग जाता है अल्टीमेटली कि ये किसमें हमें क्या लगाने से तो को चेंज करके, तो वी हैव टू पिक एनी वन ऑफ फ्रॉम दिस थ्री लिस्ट, ठीक है ना। तो कोई एक कैसे बताना है वो मैंने डिटेल में बता दिया, बस इसी रूल को आप फॉलो करेंगे। स्टेप टू मतलब यहाँ पर क्या होता है कि चेंज ऑफ कॉमा, तो सेम असर्टिव सेंटेंस की तरह करना है, असर्टिव नरेशन की तरह दैट में चेंज कर देना है। थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रोनाउन की चेंजिंग, वो वही सन रूल लगाना है। फोर्थ स्टेप जो है वो आपकी टेंस की चेंजिंग है, वो वैसे ही लगाना है। फिफ्थ स्टेप आपको जो होता है चेंज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड होता है, वो मैंने अलग अलग करके नहीं लिखा, जगह की कमी की वजह से, तो मैंने जस्ट लिख दिया यहाँ पर सारे टू थ्री फोर फाइव सारे असर्टिव की तरह चेंज होएंगे, मतलब बस पहला ही रूल चेंज हो रहा है, बाकी सब तो वैसा ही है। और इंटरजेक्शन जो भी होगा उसको ओमिट कर देंगे, व्हाट और हाउ ये भी ओमिट हो जाएगा, ओमिट मतलब नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, अगर हम उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहें इसमें, तो ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो ये सेड किस में चेंज होगा, ही एक्सक्लेम विथ जो है वो जॉय या कोई भी दूर शब्द लगा सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, अब कॉमा हटाएंगे तो भी क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। देन वी हैव टू कट आउट दिस हुर्रा बिकॉज इट इंटरजेक्शन, वी हैव टू ओमिट इट। देन वी हैव वन द मैच, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर यस वी है ना, अच्छा तो यहाँ पर भी मैं उसको क्या कर दूँ, आई लिख देता हूँ, ठीक है ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, आई हैव वन द मैच, अब आई किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चेंजिंग करेंगे, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो ही हैड वन द मैच, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। सेकंड है शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय पेन, तो क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सैडनेस या ग्रीफ, ठीक है कोई भी एक लगा सकते हैं, अलास को कट कर देंगे, ठीक है। दैट अब यस आई हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा शी, और हैड हो गया लॉस्ट हर पेन, ठीक है, तो ये माई है ये भी फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, शी का पॉजिटिव केस जो है वो हर होता है तो हर पेन हो गया, ठीक है। नाउ आई सेड व्हाट अ नाइस शॉट इट इज, अब व्हाट और हाउ वाले देखो किस तरह से, ये हो जाएगा आई एक्सक्लेम्ड विथ, एक मिनट, तो आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, उसके बाद कॉमा हटेगा दैट। अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, व्हाट को हटाएंगे, अच्छा इसमें एक्स्ट्रा एक और काम करते हैं, व्हाट के बाद जो भी वर्ड है ना ऑब्जेक्ट अ नाइस शॉट जो भी है उसको एंड में लिख देते हैं, ठीक है, एंड में ले जाते हैं, व्हाट के बाद जो भी आपके पास वर्ड होता है दैट, उसके बाद दैट इट इज है ना, तो ये जाएगा इट वॉज अ नाइस शॉट, अब फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप लगाते हैं हमेशा डायरेक्ट नरेशन में, सही है। तो हमेशा याद रखें व्हाट किया हाउ के बाद जो भी सेंटेंस होगा असल में वो ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर सब्जेक्ट के मतलब वर्ब के बाद हम छोड़ देंगे ले आके, तो व्हाट अ नाइस शॉट, तो ये हो जाएगा व्हाट अ नाइस शॉट इट इज, ये हो जाएगा इट वाज अ नाइस शॉट, ठीक है। इसरा आयशा सेड हाउ ओल्ड दिस वेमेन इज, ये हो जाएगा आयशा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, अब दैट के बाद क्या हो जाएगा, हाउ ओल्ड दिस वेमेन इज, हाउ कट जाएगा, तो यस तो ओल्ड जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, तो दैट के बाद दिस वेमेन ये चेंज होगा एक्स्ट्रा वर्ड, दैट वेमेन वॉज ओल्ड, ठीक है। सो द नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ टाइप, दैट इज ऑप्टेटिव नरेशन एंड द लास्ट टाइप ऑफ नरेशन। तो देखो सेंटेंसेस इंग्लिश में बस पांच तरह के ही होते हैं, ठीक है ना, तो पांचवा टाइप ऑप्टेटिव है, जिंदगी में पांच छठी तरह का आपको सेंटेंस नहीं बोलता है, या तो असर्टिव बोलोगे, इंपेरेटिव बोलोगे, इंटरोगेटिव बोलोगे, एक्सक्लेमेटरी बोलोगे, ऑप्टेटिव बोलोगे, और कोई जुमला नहीं बोलता कोई, तो इसलिए फाइव टाइप्स के नरेशन ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ टाइप हमारे पास है ऑप्टेटिव नरेशन, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या बताते हैं आपको, ये आपको बताते हैं प्रे, कर्स या फिर विश, ऐसे सेंटेंस उसको दुआइया जुमले भी कहते हैं जो प्रे या कर्स को शो करते हैं, मतलब दुआ या बदुआ को शो करते हैं या फिर विश या किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश ग्रामर में हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, दुआ बदुआ या ख्वाहिश इसका इजहार करते हैं। और किस तरह पहचानते हैं जुमलों में इसको ऑपरेटिव सेंटेंसेस को, इट स्टार्ट्स विथ मे एंड एंड्स विथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर दुआ या बदुआ को शो कर रहे हैं तो फिर मे से स्टार्ट होंगे और ख़त्म किस पर होंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर ख़त्म होंगे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये एक प्रे है। अच्छा फिर यही चीज़ है सेम, माय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बहुत ज़रूरी है, मे से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दुआ ही स्टार्ट हो, सेंटेंस के एंड में देखना भी ज़रूरी है। जब आप टीचर से कहते हैं मे आई कम इन, तो आप टीचर को दुआ नहीं दे रहे होते, आप उसे इजाज़त मांग रहे होते हैं, इन डैट केस
वहाँ पर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना भाई, माई गो टू ड्रिंक वाटर, ये कौन सी दुआ है? मे से शुरू नहीं हुआ तो है, लेकिन लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, वो क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो फिर ये सवाल है, और अगर लास्ट में जो है वो अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो फिर ये दुआ है, मे गॉड ब्लेस यू, बहुत सारे दुआएं होते हैं सर। तो मे यू लिव लॉन्ग, ये दुआ है, और मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। अब ये तो दुआ नहीं है, ये तो बद्दुआ है। तो मे से दुआ भी स्टार्ट होती है, मे से बद्दुआ भी मे से ही स्टार्ट होती है, ठीक है? बट वो सेंस बनता है कि किसी में दुआ दी जा रही होती है, किसी में बद्दुआ दी जा रही होती है। अच्छा, अगर विश वाला जुमला है तो विश वाला जुमला स्टार्ट होता है वुड दैट या फिर ओ दैट से। वुड दैट के मतलब होते हैं काश, और ओ दैट का मतलब होता है ए काश। काश से जुमले स्टार्ट जो होते हैं वो ख्वाहिश को बयान करते हैं, जैसे वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो इस तरह के सेंटेंस जो है दैट इज ख्वाहिश को बयान करते हैं, ठीक है? तो वुड दैट से ख्वाहिश जहन में आती है, समझ में आ रही है? अच्छा, आई के साथ वर इस्तेमाल किया जाता नॉर्मली, तो वैसे आई के साथ वॉज इस्तेमाल करते हैं, वुड दैट आई वॉज रिच, लेकिन यहाँ पर होता है वुड दैट आई वर रिच। तो इट इज नॉट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक आई एम कमिटिंग हियर, ठीक है? वाई? बिकॉज यहाँ पर जो वर है ना, ये जो यहाँ पर जो वर आता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये सब्जंक्टिव कहलाता है, ये सब्जंक्टिव मूड जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर में। सब्जंक्टिव मूड इसलिए कहते हैं ना बिकॉज ये आपको शो करता है इमेजिनरी सिचुएशन। जब भी हम इमेजिनरी पास्ट की बात करते हैं ना, इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, तो सूरत में वॉस की बजाय वर लगाते हैं। जैसे काश मैं अमीर होता, मतलब हूँ नहीं मतलब कि होता, तो ये इमेजिनेशन की बात की जा रही थी। इमेजिनरी पास्ट में हमेशा सब्जेक्टिव मूड लगता है, तो वॉस के बजाय वर लगाते हैं। तो ये बिल्कुल आपने बचपन से ही सुना है आई वर रिच, जबकि नॉर्मली तो कहता है आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर ये कोई जो है वो एक तरह से एक मूड डिफरेंट इस्तेमाल हो तो वर लग जाता है इसके अंदर। तो ये ख्वाहिश वाले जुमले में वुड दैट आता है और दुआ या बद्दुआ में मे आता है, ठीक है? तो मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल इसकी। अब आते हैं स्टेप्स, किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, नरेशन किस तरह बनाएंगे उसका। तो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग सबसे पहले होगी। सेड होगा तो वो प्रेड या कर्ट्स में चेंज कर देंगे, और सेड टू होगा तो प्रेड फॉर्म में या कर्ट्स फॉर्म में चेंज कर देंगे, अगर प्रे या कर्ट्स वाले जुमले हो, मे से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो तो। और अगर वुड दैट से स्टार्ट हो रहा है या ओ दैट से स्टार्ट हो सेंटेंस, मतलब कि विश वाला सेंटेंस है, उस वक्त में विश्ड होगा और सेट टू हो जाएगा तो उसको विश्ड फॉर से चेंज कर देंगे, ठीक है? ये तो स्टेप वन हो गया। बाकी स्टेप टू थ्री फोर फाइव सेम एज असर्टिव नरेशन, बिल्कुल सेम वैसे लगाएंगे के कॉमा की जगह पर दैट लगाएंगे, प्रोनाउन सेम चेंजिंग होगी, टेंस की तब्दीली सेम तरह से होगी, और एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो सेम तरह से चेंज हो जाएंगे, ठीक है? और इसमें नोट याद रखें, मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, वैसे तो एक्स्ट्रा वर्ड की चेंजिंग है, मे को माइट में चेंज करना जरूरी है, और वुड दैट या वो दैट को ओमिट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको फिर नहीं लिखते इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, तो वो इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है यहाँ पर। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, देखते हैं कि कितनी ज़्यादा हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसकी। एग्जाम्पल है, माई मदर सेट टू मी मे यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स, कि मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे नंबरों से इम्तहान कामयाब हो जाओ। तो ये हो जाएगा माई मदर, ओके, माई मदर प्रेड फॉर मी, सो माई मदर प्रेड फॉर मी दैट, दैट के बाद अब देखें मे जो है ना, इसको एक और चीज़ देखें, मे जो है वो यू के बाद आ जाएगा इस तरह से। तो ये यू पहले, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, जो कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, आई, और मे किस में चेंज हो जाएगा, माइज, ठीक है? देन पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है? लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, सही है? नेक्स्ट इज आई सेड टू द प्राइम मिनिस्टर मे यू डाई सून, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई कर्स्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, तो ये बद्दुआ है, ठीक है? आई कर्स्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, कॉमा हटेगा दैट, ठीक है? तो यू है तो ये यहाँ हुआ तो ही बन जाएगा, ही माइट डाई सून, ठीक है? एंड लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? फुल स्टॉप के अलावा दूसरी और कोई पंक्चुएशन मार्क हम इनडायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल नहीं करते। शी सेड वुड दैट आई वर रिच, ये विश आ गया, तो क्या हो जाएगा, शी विश्ड दैट, विश्ड फॉर नहीं आएगा, सिर्फ विश्ड आएगा, शी विश्ड दैट, अब ये वुड दैट कट जाएगा, आई वर रिच, आई चेंज हो जाएगा किससे, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से, शी और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो शी हैड बीन रिच, ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। आई सेड टू हिम ओ दैट यू गेट अ वीज़ा टुडे, विश हिम अगेन, तो क्या हो जाएगा, आई विश्ड फॉर हिम, कॉमा हटेगा तो फिर दैट, ओ दैट ओमिट हो जाएगा, देन यू गेट अ वीज़ा, यू सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा, ही गेट है फर्स्ट, गॉट आ जाएगा, ही गॉट अ वीज़ा, यस
जो है वो चेंज करेंगे एक्स्ट्रा वर्ड को, दैट डे लास्ट में फुल स्टॉप। बात समझ में आ गई भाई? ऑपरेटिव नरेशन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ नरेशन, ठीक है, उसको लिख लें। ओके क्लास, सो नाउ हियर वी हैव द पास्ट पेपर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर फ्रॉम नरेशन के कराची बोर्ड में 2019, 18, 17 और 16 में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आई विल आस्क फ्रॉम यू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है, ही सेड लाइफ इज नॉट एम्प्टी ड्रीम, ये कौन बताएगा? यस कशिश बताओ। ही सेड दैट लाइफ इज नॉट एम्प्टी ड्रीम। ओके, ये चूंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ था तो उसके अंदर जो है वो चेंजिंग नहीं आई। ही सेड टू मी गो अवे फ्रॉम हेयर, यस सुमैया। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम देयर। अच्छा, इसको आप जो है ना आस्क्ड से भी बना सकते हैं, ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लियर नहीं हो रहा स्टेटस, तो आप ऑर्डर्ड और आस्क्ड दोनों से बना सकते हैं। थर्ड है, द पियोन सेड टू मी, सर मे आई गो डाउन स्टेयर्स एंड हैव अ टॉक विद माई सिस्टर अदीबा। द पियोन आस्क्ड मी, सही है, रेस्पेक्टफुली, ठीक है, ओके, आस्क मी सही है, ओके, आस्क मी रेस्पेक्टफुली, ओके, आगे, दैट हाँ यस, द पोएम आप यून आस्क मी रेस्पेक्टफुली इफ आएगा, चूंकि दैट नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यस, इफ देन ही मे गो डाउन स्टेयर्स एंड हैव अ टॉक विथ हिज सिस्टर विथ हिज सिस्टर, सही है, ओके। नेक्स्ट है, ही सेड वुड दैट आई वर द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, यस अनिका। ही विश्ड दैट ही हैड बीन द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री, सही है भाई, गुड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज ही शी सेड टू हिम, व्हाट अ बिग लाई इट इज, यस आइफा। शी एक्सक्लेम्ड विद astonishment that it was a big lie, ठीक है ना, गुड। सो 2016-19 के सारे क्वेश्चन हो गए, अब 2018 पर आते हैं। द टीचर सेड अहमद स्टॉप टॉकिंग, यस माहीन, यस द टीचर ऑर्डर्ड अहमद, आगे क्या कहा है तुमने, टू स्टॉप टॉकिंग, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो अहमद आया है ना, तो असल में ये मैंने बताया ना कि ये असल में ये यहाँ सेट के बाद है ये अहमद, इस तरह से जब उसको पुकारा जा रहा है तो इस सूरत में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग ग्रामर में वोकेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये अहमद जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का पास्ट है, कि जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट के तौर पर। आई सेड टू हर, कैन यू हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट इफ रॉ, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड help me with the assignment, सही है भाई, गुड, करेक्ट। दे सेड व्हाट अ हॉट डे, यस शिफा। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ हॉट डे, नेक्स्ट इज फुल स्टॉप, ओके। He said, I will not come tomorrow as I am not feeling well. Yes, Laiba, can you make? He said that. He would not come. The next day. As he was not feeling well. Sahi hai bhai, good. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फाइव है, शी सेड टू मी, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, यस अलीना। शी आस्क्ड मी दैट
शी आस्क्ड मी दैट नहीं आएगा इसमें व्हेन आ जाएगा जॉइनिंग वर्ड के तौर पे व्हेन विल को जो है ना यू के बाद लिखेंगे व्हेन आई वुड रिटर्न हर बुक सही है फुल स्टॉप नेक्स्ट इज 2017 है व्हेन विल यू वाटर द प्लांट्स प्लीज शी सेड यस विदत शी आस्क सही है इफ इफ आई वुड वाटर द प्लांट्स सही है भाई गुड नेक्स्ट इज स्टॉप टॉकिंग द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यस अलीना The teacher ordered the student to stop talking. Sahi hai bhai good. Stay in bed for a few days. The doctor said to me. Yes, Kashish. The doctor suggested me stay in bed for a few days. To stay in bed. For a few day, ये days होने चाहिए थे वैसे okay. The leader said, "Alas, I have lost the election." Yes, Sumaya. The leader exclaimed with sorrow that he had lost the election. सही है भाई good, it is correct. Next, grandfather said, "Time is a great healer." Yes, Adiva. Grandfather said that. Time is a great healer. Simple, ठीक है तो ये एक universal truth है. वक्त हर गम भुला देता है. That is, time is a great healer. 2016 air पे अब आते हैं. The teacher said, "Pakistan is one of the biggest democracies in the world." Anika. The teacher said that. ओके मतलब ये कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगा ना ये सुके यूनिवर्सल ट्रूथ है पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ठीक है नाउ आई सेड टू हिम आई शैल मीट यू हियर टुमारो इफा आई टोल्ड हिम दैट आई शुड मीट हिम देयर द नेक्स्ट डे Correct. Next is the teacher said to me, "Do you have any doubt?" Yes, Mahin. The teacher asked me if I had any doubt. The teacher asked me. आगे क्या कहा? If I had any doubt. Full stop. Okay. Very good. He said, "I don't like smoking." Ifra. He says that. He didn't like smoking. Wrong. He doesn't like smoking. Tense change नहीं होगा क्योंकि reporting speech present में ये says लिखा हुआ है ठीक है तो बस एक गलत हुआ बाकी सारे correct बने ठीक है that's all about the past paper solution बाकी care आप खुद कर ले